नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा चल रही है और 17 अगस्त को जो स्टूडेंट परीक्षा देने जाएंगे उनके लिए रीजनिंग के कुछ एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, जिस तरह से ALP टेक्नीशियन का ट्रेंड चल रहा है उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें देखकर ज़रूर जाएं। इसके अलावा दोस्तों, आप इसी तरह के क्वेश्चंस की बुकलेट से ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसी तरह का ट्रेंड चल रहा है। वहाँ यहाँ पर मैं आपको संख्याएं तो नहीं बता सकता, लेकिन जो जिस तरह सा पेपर आ रहा है वो मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला देखिए सवाल है, देखिए 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 17 आ रहा है, 17 के बाद 33 आ रहा है। तो देखिए यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 1 का है, यहाँ 2 का है, तो मैं उसी ट्रेंड को लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं 2 दूनी 4 करूँ और 1 घटा दूँ तो 3 आ जाएगा मेरे पास, 3 दूनी 6 करूँ और 1 घटा दूँ तो 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 करूँ 1 घटा दूँ तो 9 आ रहा है। अभी मैं इसे सही नहीं मानूंगा, 9 दूनी 18 माइनस से 1 घटा दिया 17 आ रहा है, और 17 दूनी 34 माइनस 1 कर दूंगा तो मेरा 33 आ रहा है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ जो 9 है मेरा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्तों, इनमें से आपको एक अलग छांटना है, पिन, सुई, छड़ी या कांटा। तो दोस्तों इन सब की देखिए एक थोड़ा सा अगर आप ह्यूमन बिहेवियर पर जाएं उस पर देखिए, देखिए पिन अगर चुभाएं अपने अंदर तो उसमें से दर्द होगा, सुई चुभाएं उसमें से दर्द होगा, कांटा चुभाएं उसमें से दर्द होगा, लेकिन छड़ी एक ऐसा है जिससे कोई भी किसी भी तरह का दर्द नहीं हो सकता। तो इसका सही जवाब है सी। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके का आ रहा है, देखिए 4 के आगे आया 5, 5 के आगे आया 7, 7 के बाद आया 11, 11 के बाद आया 19। तो इन सभी में देख रहे हैं, देखिए इनमें दोनों का डिफरेंस 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, तो अगले में निश्चित रूप से 16 होगा। जैसे मैंने यहाँ देखा 1 का, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, तो 1916 35, तो सही जवाब हो जाएगा 35। अगला सवाल है, यदि एक्स वाई का पुत्र के पुत्र का भाई है तो एक्स का वाई से क्या संबंध होगा। देखिए पहले कह रहा है, देखिए क्वेश्चन समझिएगा, एक्स को तो हम बिल्कुल अलग रख ले देते हैं। ठीक है, पहले कहा है वाई के पुत्र का पुत्र, तो देखो वाई के पुत्र का पुत्र प्लस कर दिया, इसे भी प्लस कर दिया, पुत्र का पुत्र, ठीक है, का भाई है, और फिर ये जो है भाई जो है वो एक्स है। अब पूछ रहा है एक्स और वाई के बीच का संबंध, तो आप देखिए एक्स के भाई का अगर ये हुआ तो इसका भी तो दादा हुआ। तो दोस्तों अगर यहाँ से आप देख सकते हैं वाई के पुत्र का पुत्र, तो एक्स क्या हुआ, क्योंकि जो पुत्र के पुत्र का भाई एक्स है, तो इसका रिलेशन वाई से क्या हुआ, दादा का हुआ। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है, ये मैंने स्पष्ट कर दिया, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कैलेंडर का, तो इसका जो कोड जो मैंने लिखे हैं ना, आपका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। पूछा है 12 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों 1996 किस तरह का ईयर है, एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। ठीक है, ये मैंने कोड लिख दिए हैं दोस्तों, ये तो सामान्य वर्ष के कैलेंडर का कोड है, और ये जो नीचे दो लिखे हुए हैं ना -1 -3, ये लीप वर्ष का, अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का कोड है। ठीक है, हमसे पूछा है 12 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों सबसे पहले हमें डेट लिखनी होती है, डेट का 7 से भाग देना होता है, जो शेषफल आता है वो हमारी विषम दिनों की संख्या होती है। उसके बाद जनवरी का कोड, यहाँ पर जो लीप वर्ष का कोड है वो रख देंगे, ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद जो अंतिम डिजिट ले लेंगे ईयर का, 96 का 7 से भाग देंगे, और लीप वर्ष है उसका भी लास्ट का डिजिट ले लेंगे 96, उसे 4 से भाग कर देंगे, और ये सन का कोड है, ये सन के कोड मैंने इस तरह से लिख सकते हैं 1500 से 1599, 1600 से 1609, ठीक है, ये 0642, ये आप रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर ना आए तो। ठीक है, उसके बाद देखिए 7, 12 में से 7 गए 5, शेषफल 5, जनवरी का कोड -1 ये आपका है, और शेषफल यहाँ कितना बचेगा, अगर मैं 7 से करूँगा तो 7 दूनी 7 एकन 7 26 50 7 3 21, 6 में से 1 गया 5, 5 हो जाएगा, लीप वर्ष पूरा पूरा कट जाएगा 4 से, 0 आ जाएगा, और जनवरी का कोड हम क्षमा करें सन का कोड हम यहाँ से देख लेंगे 1900 से 1999, 0, सबको जोड़ देंगे, 10 में से 1 गया 9, और 9 में फिर 7 का भाग देंगे तो 2 विषम डे आ गए, और 2 विषम डे, 200 डे का कोड मैंने ये लिख रखा है, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, ठीक है, तो 2 पर कौन सा रहा, मंडे, तो उस दिन सोमवार होगा, सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझ जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, एक क्वेश्चन है, डॉक्टर, सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट में संबंध स्थापित कीजिए। तो दोस्तों सर्जन की बात करें, न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें, सभी
डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। कुछ सर्जन ऐसे होते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ सर्जन ऐसे हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हो सकते। तो इसके लिए सही चित्र ये होगा, न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन दोनों एक दूसरे के डॉक्टर के अंदर रहेंगे, लेकिन एक दूसरे से संबंध कहीं ना कहीं स्थापित कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन टाइप का है, बॉर्ड मास से आपने कहेगा 3 - 3 + 3 × 3 / 3 - 3। इसे किस तरह से हल करेंगे? तो सबसे पहले आपको डिवाइडेशन करना है, तो एक रख देंगे, उसके बाद आपको जो है मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया करेंगे एक के साथ, तो 3 × 1 = 3 यही आ ही जाएगा, ठीक है। और 3 - 3 = 0 होता ही है, सिंपल करेंगे तो 0 इसका सही विकल्प के रूप में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, ये स्लोगन का क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये तो मैंने 4 का बनाया, इसीलिए वैसे तो 2 के आ रहे हैं लेकिन 4 का बनाया। कुछ किताबें पेन है, तो केक कर दिया मैंने किताबों का और इस तरह से पेन कर दिया, ठीक है। और पूछ रहा कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन जो है वो पेंसिल नहीं है, पेन कर दिया। यहाँ से निष्कर्ष निकाल लेंगे, देखिए कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं बिल्कुल है पहला निष्कर्ष, कुछ पेंसिल किताबें हैं पेंसिल किताबों से संबंध नहीं है तो दूसरा निष्कर्ष गलत, कुछ किताबें पेंसिल नहीं है, कुछ किताबें पेंसिल नहीं है दोस्तों पूरी ही नहीं है यहाँ कुछ कह रहा है, तो ये भी निष्कर्ष गलत। सभी पेंसिल किताबें हैं संबंध ही नहीं है, तो केवल एक निष्कर्ष जो है वो संतुष्ट कर रहा है। चित्र आप देख सकते हैं इस तरह से बना और केवल एक निष्कर्ष जो है अनुसरण कर रहा है। एक सवाल और देख लेते हैं, देखिए परामर्श, बीमारी, डॉक्टर, चिकित्सा, इनको क्रमवाइज देखिए। दोस्तों सबसे पहले बीमारी होगी, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएगा कोई भी रोगी, उसके बाद वो वहाँ से परामर्श लेगा, उसके बाद चिकित्सा होगी। तो इस तरह से क्रमवाइज आपको शब्द लगाने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस RRB ALP टेक्नीशियन में आप पूछे जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।